नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में भूस्खलन की वजह से 159 सड़कें बंद। मलबा और बॉर्डर आने से 159 सड़कें बाधित। कई बॉर्डर रोड, राज्य मार्ग और ग्रामीण मोटर मार्ग भी बंद। चमोली जिले में 39 ग्रामीण मोटर मार्ग भी बंद। पिथौरागढ़ जिले में एक बॉर्डर रोड, 22 मार्ग बंद। देहरादून जिले में भी एक राज्य मार्ग और 20 सड़कें बाधित। रुद्रप्रयाग में 11 ग्रामीण मोटर मार्ग बाधित। सड़कें बंद होने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मार्गों को खोलने में जुटी हैं BRO की टीमें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मार्ग लगातार क्षतिग्रस्त होते हुए नज़र आ रहे हैं और हाल फिलहाल में प्रदेश में 159 ऐसे मार्ग हैं जो पूरी तरह से बाधित है, जिनको खोलने का काम लगातार BRO की टीमें करती हुई नजर आ रही हैं। अलग अलग जिलों में इन दिनों मौसम का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पर भारी बारिश ने भी आफत काटी हुई है और ऐसे में कई जगह बाधित हो गई हैं, कई सड़कें बाधित हो गई हैं, कई गांव का संपर्क भी आपस में टूट चुका है और BRO की टीमें अब मार्गों को खोलने में जुटी हुई हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है और अब देखा भी जा रहा है कि कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, तो ऐसे में किस तरह से अब उनको खोलने का काम लगातार जारी है? जी हाँ, देखिए इस बार जो मानसून सीजन में बारिश अभी तक हो रही है, मानसून सीजन की दस्तक के बाद से ही लगातार भारी बारिश प्रदेश में देखने को मिल रही है। और अभी तक बात की जाए तो प्रदेश में जो है मैदान से लेकर पहाड़ तक लोगों का जनजीवन अस्त हुआ है। बुधवार बीते बुधवार की रात्रि जिस तरीके से 4 घंटे की जो बारिश थी उससे काफी त्राहिमाम जो है प्रदेश में मचाया है और पहाड़ी जनपदों में भी भारी बारिश जो है वो हुई है और कई जगहों पर बादल फटे हैं। ऐसे में अभी तक अगर बात की जाए तो प्रदेश में 160 SP सड़कें हैं जो बंद है, जो की मलबा बोल्डर है वहां पर अवागमन है बिल्कुल राजमार्ग बॉर्डर रोड से लेकर मोटर मार्ग जो है वो भी बंद है और ऐसे में जिन्हें खोलने का लगातार जो प्रयास किया जा रहा है। BRO लगातार खोलने का प्रयास कर रही है, सुरक्षा बल लगातार तैनात है और ऐसे में शासन प्रशासन के द्वारा मंडी ने बनाई गई है चौकी रास्तों को खोलने का काम कर रही है, जिस तरीके से चारधाम यात्रा भी चल रही है और ऐसे में अभी हालांकि केदारनाथ में जिस तरीके से पैदल मार्ग यात्रा का है 30 मीटर का हिस्सा अंदाज में जल्दी से समाया ऐसे में उसके बाद यात्रा भी प्रभावित हुई और यात्रा रोकी दी गई तो वैकल्पिक मार्ग को भी जो है बनाने का काम किया जा रहा है और उस रास्ते को भी खोलने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे में टीमों की जिस तरीके से दरमियानी में बादल फटा वहां पर भी भारी नुकसान हुआ, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया और उनके विस्थापन को लेकर जो है तमाम तैयारियां चल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह धामी ने निर्देश भी दिए हैं कि 24 घंटे अलर्ट पर लोगों को विस्थापन को जल्द से जल्द किया जाए, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए और तमाम व्यवस्थाएं जो उनके लिए की जाए। इस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं जो प्रदेश सरकार की तरफ की जा रही है और जो लोग जो है फंसे जिस तरीके से बादल फटा उसमें कई यात्री फंसे। अभी तक की अगर बात की जाए तो करीब 7,000 से अधिक यात्रियों को जो है तत्काल उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में आज मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली समेत कई इलाकों में तेज बारिश के आसार। अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना। देहरादून में आंशिक रूप से छाए रहेंगे बादल, कुछ इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना। मौसम विभाग ने दी सतर्क रहने की चेतावनी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की भी संभावना जता दी है। देहरादून समेत अलग अलग जिलों में बारिश का कहर देखने को मिल सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में आवाजाही के लिए भी सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं और सभी से अपील की जा रही है कि सतर्कता बरतें और अपने आसपास या फिर अपने जो मौसम की सटीक जानकारी है वो देखकर ही घरों से बाहर निकले। उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य का विधानसभा सत्र गैरसैंण में करने जा रही है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार ने 21, 22 और 23 अगस्त 2024 को विधानसभा सत्र गैरसैंण के भराड़ी सैन में आयोजित करने का फैसला लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने सत्र को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली है।
आप जानते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा का सत्र होना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सहमति दी है, ये विधानसभा का सत्र 21, 22, 23 अगस्त को होना है और बराड़ी सैन में ये सत्र होगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारा पिछला सत्र हुआ था, अगस्त के माह में ये हमें करना ही था, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि रक्षाबंधन के बाद 21, 22, 23 अगस्त को ये विधानसभा का सत्र। उत्तराखंड में आपदा की हर खबर हॉर्नबिल टीवी लगातार दिखा रहा है। उत्तराखंड सरकार लगातार आपदा से निपटने की कोशिश कर रही है। सरकार की इन कोशिशों को हर हद तक सफलता भी मिल रही है। मैं उत्तराखंड का टिहरी भी आपदा की चपेट में आया हुआ है। इसी बीच हॉर्नबिल टीवी के ने अपने जो टीम है उसको भी भेजा था और आपको दिखाते हैं कि किस तरह का अभी माहौल बना हुआ है। देखने में पहाड़ जितने खूबसूरत लगते हैं उतना ही मुश्किल भरा जीवन भी यहाँ के लोगों का होता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले में आपदा जैसे हालात हैं। हम इस समय टिहरी जिले में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ये टिहरी जिले का एरिया है जहाँ पर अब नदियाँ भी उफान पर हैं और एक मकान भी इसकी जद में आकर धराशायी हो गया है। ये उस मकान की तस्वीरें हैं जिस मकान में कुछ समय पहले तक लोग रहते थे, लेकिन ये अब बारिश ज़्यादा होने के कारण और जल स्तर बढ़ने के कारण अब ये मकान पूरी तरह से धराशायी हो गया है। हालांकि अभी टिहरी जिले में कई जगह आपदा जैसे हालात भी हैं और हाल फिलहाल में जो आपदा का दंश देखा है उसमें ये भी देखा गया है कि 3 लोग अभी तक अपनी जान भी गंवा चुके हैं। 3 लोग पहाड़ी से आए मलबे के अंदर समा गए जिस कारण उनकी मौत भी हो गई। हालांकि उसके साथ ही कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ ही रुद्रप्रयागगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ पर भी चारधाम यात्रा चरम पर है। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुँचे हुए हैं, श्रद्धालु पहुँचे हैं बाबा केदार के दर्शन करने के लिए और ऐसे में पहाड़ी से मलबा आ जाने से तीर्थयात्री अब रास्तों में ही फंस कर रह गए, जिसके बाद रेस्क्यू का कार्य तेजी से किया जा रहा है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर लगाए गए, साथ ही SDRF NDRF की टीमें लगाई गई ताकि सकुशल लोगों को जल्द से जल्द बचाया जा सके। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि 2500 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू भी अभी कर लिया गया है और अभी भी लगातार रेस्क्यू कार्य जारी है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ा हुआ है वो नज़र आ रहा है और ऐसे में जो पहाड़ी है, पहाड़ी से भूस्खलन की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में पहाड़ों पर भूस्खलन हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही अंदेशा जाहिर कर दिया था कि इस बार पहाड़ों में भारी से भारी बारिश देखने को मिलेगी और यही वजह है कि इस बार गढ़वाल हो या कुमाऊं दोनों ही रीजन में बहुत भारी से भारी बारिश देखने को मिली है और अब जो आपदा का दंश है वो भी देखा जा सकता है। ये सड़कें जो हैं वो सड़कों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि सड़कें पूरी तरह से अब ऐसी हो चुकी हैं, अब ऐसा लग रहा है कि मानो यहाँ पर सड़कें कभी आई ही ना हो। ये भूस्खलन के बाद की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर और साथ ही आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि जो गंगा का जल स्तर है, नदियों का जल स्तर है वो भी अब खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर के लगातार अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने यहां के लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि किस तरह की परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। टिहरी जिले में 3 लोग अभी तक इस मलबे की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई है। हालांकि परिजनों से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिले थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और JP नड्डा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपडेट ले चुके हैं, उनसे बातचीत की है और हर संभव मदद का आश्वासन भी PMO की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री भी इस पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं और उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि किसी का भी फोन स्विच ऑफ नहीं होगा, 24 घंटे अधिकारी अपने फोन लाइन के जरिए संपर्क में रहेंगे और साथ ही कोई भी अगर ऐसी बात सामने आती है तो ऐसे में लोगों तक मदद पहुंचाने का कार्य लगातार किया जाएगा। ऐसे ही केदारनाथ में भी लगातार रेस्क्यू कार्य जारी है। हॉर्नबिल टीवी के लिए टिहरी से विशाल गर्ग। उत्तराखंड में मानसून सीजन में आफत की बारिश लगातार जारी है। प्रदेश में बारिश ने भारी कहर बरपाया हुआ है। प्रदेश के अलग अलग जगहों से 16 लोगों के मरने की और कई लोगों के लापता होने की भी सूचना है। वही बादल फटने की घटनाओं ने के बाद अब मुख्यमंत्री ने पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया है। ऐसे में सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आपदा की इस घड़ी में प्रभारी मंत्री कहां गायब हैं। इन तमाम विषयों को लेकर
हॉर्नबिल टीवी ने बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी से खास बातचीत की है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राज्य में आपदा जैसे हालात हैं, ऐसे में सरकार और संगठन मिलकर किस तरह से कार्य कर रहा है ताकि अपने लोगों को वक्त रहते राहत देने का काम किया जाए? इस समय उत्तराखंड में चारों तरफ वर्षा ऋतु में आपदाओं की घटना लगातार हो रही है और आपदा में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए जो पीड़ित लोग हैं आपदा के कारण, उनको सहयोग करने के लिए एक तो हमने अपने सभी प्रभारी मंत्री जो जिस जिले के प्रभारी हैं उनसे अनुरोध किया है कि वो अपने प्रभारी जिलों में लगातार संपर्क रखें, लगातार दौरे भी करें और जहाँ भी कोई ऐसी अप्रिय घटना घटती है उसमें तत्काल ही राहत और पुनर्वास के कार्य करें। इसी के साथ में सभी माननीय विधायकों से ये आग्रह किया है कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ही रहें और वहाँ पर कभी भी कोई घटना घटती है और ऐसी कोई संभावना मौसम विभाग के द्वारा जारी की जाती है, शासन प्रशासन द्वारा की जाती है, तो उसको पूर्व में सावधानी उसके बरतें, प्रिकॉशन रखें और पहले से भी जो है कुछ ऐसे बचाव के साधन क्षेत्र में उपलब्ध रखें। बाकी पार्टी के जितने हमारे पदाधिकारी हैं उन सभी पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की आपदा की घटनाएँ आ रही हैं उसमें प्रशासन के साथ में मदद करें, प्रशासन के साथ में सहयोग करें और पीड़ित लोगों को जो जो सहयोग की आवश्यकता है, उनको राशन चाहिए, उनको वस्त्र चाहिए, अन्य किसी भी प्रकार की दवाइयाँ चाहिए, कोई भी व्यवस्था उनको चाहिए तो उसको तत्काल उनको मुहैया कराया जाए, तो इस काम में शासन प्रशासन का सहयोग करें। सर, लगातार मौसम विभाग अपीलें जता रहा है और साफ तौर पर उन्होंने कई बार चेतावनी भी जारी की, फिर भी बावजूद उसके सरकार क्या बेहतर कार्य नहीं कर पा रही या फिर समझ नहीं पा रही है उन चीज़ों को, क्योंकि चेतावनी के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं, पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और फिर ऐसे में केदारनाथ से ये तस्वीरें आना कि भूस्खलन हो गया और जिस तरह से अब वहाँ पर पुल भी नहीं है और लोगों को अब रेस्क्यू करना पड़ रहा है, 2500 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं अभी भी हैं। सरकार यात्रा प्रबंधन में बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही है लेकिन हो यह रहा है कि जो दूर क्षेत्र से, क्योंकि हमारे चारों धामों में यात्रा के लिए केवल प्रदेश के लोग नहीं आ रहे, देश भर से भी लोग आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं और इतनी बड़ी मात्रा में लोग यात्रा के लिए चले हैं कि उनको रोकना थोड़ा कठिन होता है और हमने देखा कि मई और जून के महीने में जब ऋषिकेश में पड़ाव पर उनको रोकने की कोशिश की गई, अन्य स्थानों पर रोकने की कोशिश की गई तो उनके जो द्वारा जोर जबरदस्ती भी की जाती है कि हम तो आगे जाएंगे जाएंगे। अभी भी लगातार प्रशासन कह रहा है, मुख्यमंत्री जी ने सभी से अपील की है कि मौसम देख करके ही घर से निकलें, मौसम और प्रशासन के साथ में समन्वय बनाते हुए चले, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं मानते हैं और वो जोर जबरदस्ती करते हैं। नहीं तो इस समय वर्षा ऋतु में तो लगातार यात्रा करने की मनाही रहती है, रास्ते में लोग फंस रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, कई गाड़ियों के दबने की भी सूचना मिलती है, तो ये सरकार को भी अच्छा नहीं लगता और ये एक आम नागरिक होने के नाते भी ये अच्छा नहीं है। इसलिए मैं भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्षा ऋतु में कम से कम जो है इस प्रकार की यात्रा को टालने का प्रयास करें और 15 सितंबर के बाद जब बारिश थोड़ा कम हो जाए उसके बाद यात्रा नवम्बर माह तक चलेगी तो उसके बाद फिर दर्शन के लिए आए। सर, कांग्रेस भी लगातार सवाल ये उठा रही है कि आपके मंत्री हों या फिर नेता हों वो दिल्ली ज़्यादा रुख कर रहे हैं, वो यहाँ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर आपदाएं आ रही हैं। देखिए, आपदा के कार्यों में हमारे सभी मंत्री अपने अपने प्रभारी जिलों में डटे हुए हैं, वहाँ जिलाधिकारियों के साथ में अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के निरंतर संपर्क में हैं और कहीं आवश्यक हो रहा है तो आवश्यकता पड़ने पर अपने केंद्रीय मंत्रियों के साथ में, अपने केंद्रीय नेतृत्व के साथ में संवाद बना रहना चाहिए और उत्तराखंड के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए जो है हमारे मंत्री दिल्ली गए हैं, वहाँ केंद्रीय मंत्रियों से मिले हैं और उनको बहुत सारे कामों में सफलता भी मिली है। कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो उत्तराखंड के हित में हैं उनकी स्वीकृति भी हमारे राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री लेकर के आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी नीति आयोग की बैठक में 2 दिन लगातार दिल्ली में रहे और उत्तराखंड के लिए उन्होंने यहाँ के विकास के लिए प्रयास किया है और मैं समझता हूँ कि दिल्ली जाना भी आवश्यक है राज्य के हित में। लंबे समय से कैबिनेट के पद भी खाली चल रहे हैं, क्या माने सर, कब तक ये भरे जाएंगे या फिर अभी कुछ और समय ऐसे इंतज़ार करना पड़ेगा? इस पर अपने उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी का बयान आया है कि यथाशीघ्र कैबिनेट मंत्रियों की भी नियुक्ति होगी और राज्य सरकार में जो दायित्वों पर भर्ती होती है, नियुक्ति होती है वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं की, उनकी भी नियुक्ति होगी, तो मैं समझता हूँ कि इस पे
पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इसमें विचार किया है, मंथन किया है, जिसके परिणाम जल्दी निकलेंगे। सर, कांग्रेस ने यात्रा शुरू की हुई है, जिस तरह से हम देख भी रहे हैं केदारनाथ बचाओ यात्रा, लेकिन आज उसका रोकना पड़ गया, उस यात्रा को भी। किस रूप में देख रहे थे आप उनकी उस यात्रा को? देखिए, उनकी यात्रा का तो कोई औचित्य नहीं है, ना उनका कोई मुद्दा है। केवल केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और निकट भविष्य में अक्टूबर माह में स्थानीय निकाय के चुनाव भी प्रस्तावित हैं। केवल चुनाव की दृष्टि से कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए कि हम भी हैं, इसलिए उन्होंने यात्रा प्रारंभ की है। वो कांग्रेस सनातन के विरोधी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार कहते हैं कि हमें सनातन को मिटाना है, और कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी लिख करके दिया जब उनकी केंद्र में सरकार थी कि राम एक काल्पनिक पात्र है, वो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, वो सनातन को मिटाने में लगे हुए हैं। तो जब वो सनातन को ही मिटाने में लगे हुए हैं तो फिर केदारनाथ जी के प्रति उनकी आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगता है, बद्रीनाथ जी की आस्था पर उनके मन के पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि जब वो सनातन को ही मिटाने में लगे हुए हैं, भगवान राम को ही नहीं मानते हैं, तो बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी को क्या मानते हैं? वो केवल राजनीति कर रहे हैं, ऐसी ओछी राजनीति कर रहे हैं कि मैं तो कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि पूरे प्रदेश में इस समय भारी वर्षा हो रही है, आपदा आ रही है, और इस समय वो राजनीति करते हुए यात्रा निकाल रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कांग्रेस की निंदा की है, और उत्तराखंड की आम जनता ने भी बड़ी प्रतिक्रिया उनकी यात्रा पर व्यक्त की है। बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनकी यात्रा पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और इससे शर्मसार होकर के उन्होंने अपनी यात्रा को स्थगित किया है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को इस प्रकार की ओछी राजनीति, ऐसी घटिया राजनीति उत्तराखंड के अंदर नहीं करनी चाहिए। हमारी ये देवभूमि है, यहाँ के लोग सच्ची श्रद्धा भावना के लोग हैं, उनके भगवान केदारनाथ जी पर भी श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है, तो उनकी भावनाओं के साथ में किसी प्रकार का छलावा कांग्रेस के द्वारा नहीं करना चाहिए। केदारनाथ उपचुनाव की आपने बात की, उपचुनाव को लेकर बीजेपी की क्या कुछ तैयारियाँ हैं? अभी तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आपदा राहत के कार्यों में लगी हुई है, शासन प्रशासन लगातार इस कार्य में जुटा हुआ है। हमने भी अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो प्रशासन के साथ में मददगार बने, उनको राशन की आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता है, दवाइयों की आवश्यकता है, इन सभी की पूर्ति करने का काम कार्यकर्ता इस समय करें। और हमारा मानना है कि जब बारिश थोड़ा कम होगी, आपदाओं की घटनाएं कम होंगी, उसके बाद हम केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव पर भी लगेंगे और स्थानीय निकाय के चुनाव की तैयारी भी करेंगे। धन्यवाद सर होर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। आदित्य कोठारी जी को आप सुन रहे थे, जो कि प्रदेश महामंत्री हैं बीजेपी से, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सभी मंत्रियों को और सभी नेताओं को ये कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी बनाए रखें। होर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, और अब तक से कांग्रेस यहां मुख्य विपक्षी की भूमिका में भी है। पिछले दिनों केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस की शुरू हुई यात्रा मौजूदा वक्त में रोक दी गई है, जिसे लेकर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू-तू मैं-मैं की राजनीति हो रही है। बीते 24 जुलाई से शुरू हुई कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की अपील पर स्थगित कर दी गई। इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस केदारनाथ सीट पर उपचुनाव को लेकर राजनीति कर रही है। उत्तराखंड में धामों की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार गंभीरता से काम कर रही है। देखिए, कांग्रेस आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार की ओछी राजनीति कर रही है, और केदारनाथ जी के लिए, श्री बद्रीनाथ जी के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है, उसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है, और उत्तराखंड में धामों की स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र की सरकार भी गंभीर है, राज्य सरकार भी गंभीर है। अब केवल केदारनाथ विधानसभा का चुनाव होना है, स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, इसलिए केवल केदारनाथ के को विषय बना करके, केदारनाथ के विषय को हाईलाइट करके वो राजनीति करना चाहते, जबकि कांग्रेस की हकीकत तो यह है कि वो सनातन को समाप्त करना चाहती है। उन्होंने राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, तो वो केदारनाथ जी को के अस्तित्व को किस प्रकार से जो है बखान कर रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है।
और उनके वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय नेता लगातार कहते हैं कि हमको सनातन को समाप्त करना है, सनातन के अस्तित्व को मिटाना है। तो वो सनातन के अस्तित्व को मिटा रहे हैं तो फिर केदारनाथ के अस्तित्व को कैसे बचाएं। उत्तराखंड बीजेपी के महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि कांग्रेस केदारनाथ के विषय को लेकर हाईलाइट करके राजनीति करना चाहती है, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सनातन को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया तो वे केदारनाथ के अस्तित्व को किस तरह बखान कर रहे हैं, जो कि समझ से परे है। कांग्रेस की तरफ से निकाली गई यात्रा का कोई औचित्य नहीं है। प्रश्न चिन्ह कांग्रेस के ऊपर खड़ा होता है। अब वो यात्रा निकालें, यात्रा स्थगित करें, जिस यात्रा का कोई औचित्य नहीं है उसको जारी रखना, उसको स्थगित करना, उसको पुनः प्रारंभ करना, उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि हमारी ये उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ राजनीति में सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए, विकास के लिए राजनीति करनी चाहिए। और अब जो है उत्तराखंड में चारों तरफ वर्षा ऋतु में आपदाएं आ रही हैं, सरकार पूरी तरह से आपदा के राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी राहत और बचाव के कार्यों में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में वो केदारनाथ जी के नाम पर राजनीति करके यात्रा निकाल रहे थे, इसकी तो भारतीय जनता पार्टी लगातार निंदा कर ही रही है। भाजपा के साथ साथ में उत्तराखंड की आम जनता भी जो है उनकी निंदा कर रही कि इस आपदा के समय में, इस विपरीत परिस्थिति में वो राजनीति कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, उत्तराखंड के लिए गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में चल रही कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा यात्रा अब केदार घाटी में हुई तबाही के बाद स्थगित कर दी गई है। वही कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मधुलता जोशी का कहना है कि जिस हिसाब से पूरे प्रदेश में स्थिति खराब है, प्रशासन के अनुरोध पर यात्रा को स्थगित किया गया है, लेकिन आगे जैसे भी परिस्थितियां बनेंगी, रास्ते साफ होंगे, यात्रा फिर सुचारू रूप से जाएगी और केदारनाथ में ही यात्रा का समापन होगा। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जबरदस्त दैवीय आपदा आई है, जगह जगह लोग हताहत हुए हैं, 9 लोगों की डेथ हुई है और तमाम मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लोगों की खेती चौपट हो गई है, रास्ते बंद पड़े हैं, बिजली की लाइनें टूट गई हैं और सड़कें बिल्कुल बंद पड़ी हैं, इसलिए प्रशासन के अनुरोध पर यात्रा को स्थगित करना पड़ा है। और जैसे ही केदारनाथ का रास्ता सुचारू रूप से चालू हो जाएगा उसके बाद केदारनाथ की यात्रा की जाएगी और वहाँ पर जलाभिषेक करने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड में बुधवार और गुरुवार को कई इलाकों में बादल फटने और तेज बारिश की वजह से कई सड़क मार्ग बंद हो गए। यात्रा मार्गों पर फंसे हजारों तीर्थ यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश के बाद बंद हुई सड़कें खोलने में भी और वक्त लग सकता है, लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी और जिला प्रशासन की बातों को मानकर फिलहाल यात्रा को रोक दिया है। लेकिन पार्टी नेताओं का कहना है कि जैसे ही सब कुछ सामान्य होगा फिर यात्रा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।